नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जॉब इन्फो CNN में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक और अच्छी न्यूज़ लेकर के आए हैं जो फाइनल रिजल्ट के बारे में है। और ये फाइनल रिजल्ट जो है पलामू डिस्ट्रिक्ट का है। ये जो CGTTC का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का फाइनल रिजल्ट आज आया है। चलिए हम लोग देखते हैं फाइनल रिजल्ट। इससे पहले, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए हम लोग देखते हैं रिजल्ट को, क्या है ये रिजल्ट में। चलिए देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कालीनगर चायबगान नामकुम रांची स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 परीक्षा फल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या के आलोक में आयोजित संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा मुख्य के आधार पलामू जिला का विषयवार परीक्षा फल निम्नवत है। देखिए, हिंदी का है, ये रोल नंबर दिया है हिंदी का। कुल 51 विद्यार्थी इसमें पास हुए हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति का क्रमांक 7 है, कुल 7 है। ये जो इन अनारक्षित UR के लिए, सॉरी जनरल के लिए 51 विद्यार्थी पास हुए हैं, और अनुसूचित जनजाति में 7 विद्यार्थी पास हुए हैं। अनुसूचित जनजाति में 29 विद्यार्थी कुल पास हुए हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1, और अत्यंत पिछड़ा अनुसूचित जाति में 8, कुल 8, और पिछड़ा वर्ग में कुल 6, 2 में अनुसूचित BC 2 और Note 3। तीन अभ्यर्थियों का परीक्षा फल लंबित रखा गया। देखिए, तीन अभ्यर्थियों का परीक्षा फल अभी लंबित रखा गया है, नहीं आया है, शायद आने वाला है। और ये किसका था? तो ये जो है हिंदी हिंदी के लिए है ये। और यहाँ देखिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं हिंदी कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों के लिए। देखिए, ये प्राथमिक शिक्षकों के लिए कुछ है, 4 ठो अभ्यर्थियों के लिए है। और वाणिज्य में सीधी भर्ती के लिए है, इसमें 13, जिसमें से अनुसूचित जनजाति का क्रमांक 2 है, अनुसूचित जाति का अनुक्रमांक इसमें 7 है, इस तरह करके दिया हुआ है। पिछड़ा वर्ग का इसमें 2 है, पिछड़ा वर्ग 2 में इसमें भी 2 है, और शास्त्र में भी है, जिसमें जनरल का कुल 43 है, और अनुसूचित जनजाति क्रमांक का इसमें 2 है, अनुसूचित जाति का इसमें भी 11 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 8 है, BC 1 और BC 2 के लिए 5 है। देखिए, अर्थशास्त्र कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों के लिए 1 है। अब भूगोल में भी, भूगोल का भी निकला है। देखिए, कुल इसमें 48 है जनरल के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए 6 है, और अनुसूचित जाति के लिए 26 है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 8 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 6 है, और भूगोल कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों के लिए अनारक्षित में 2 है। और गृह विज्ञान सीधी भर्ती में कुल 22 है जनरल के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है, पिछड़ा वर्ग 2, अनुसूचित 2 के लिए 3 है। गणित का भी निकला है। देखिए, गणित का इसमें भी कुल 55 है जनरल का, अनुसूचित जनजाति का जो है 2 है, अनुसूचित जाति का है 11 है, इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 10 है, इस तरह करके दिया हुआ है। गणित और भौतिकी, गणित एवं भौतिकी में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों के लिए भी दिया हुआ है रिजल्ट। और शारीरिक शिक्षा सीधी भर्ती का भी रिजल्ट दिया हुआ है इसमें। उर्दू से सीधी भर्ती रिजल्ट दिया हुआ है, और बंगला सीधी भर्ती का भी रिजल्ट दिया, जीव विज्ञान का भी, लगभग लगभग सारा रिजल्ट आ गया है, सारा सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया है। देखिए, और हम लोग पढ़ते हैं लास्ट में नोट। अंग्रेजी, इतिहास एवं नागरिक संगीत तथा संस्कृति संस्कृत का परीक्षा फल अलग से प्रकाशित किया जाएगा। देखिए, आप पढ़ लीजिए ध्यान से। अंग्रेजी, इतिहास एवं नागरिक संगीत एवं तथा संस्कृत का परीक्षा फल अलग से दिया जाएगा। जी हाँ, और 2013 87 नंबर, और 2017 सोनी कुमारी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य दिनांक 3/1/2019 को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा एक अंतरिम न्यायाधीश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है। एनी स्टेप टेकन इन द मेन क्या है मेन टाइम सेल एबिड बाय द फाइनल आउटकम ऑफ दिस राइट पैसन। अतः उक्त प्रकाशित परीक्षा फल इतना नंबर सोनी कुमारी बनाम झारखंड राज्य अन्य माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश से प्रभावी होगा। इतना ही था दोस्तों।
धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें आगे के वीडियो के लिए। धन्यवाद।